तो वेलकम गाइस, मैं न्यू वीडियो। दोस्तों आज मेरे पास एक किसान टॉर्च न्यू मॉडल, और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो इंडिकेटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर ली है। तो बहुत ही आसानी से आप नई बैटरी में, जैसे कि नया जो इसका सिस्टम आया है उसमें आप कर सकते हो वायरिंग। तो चलिए मैंने रिफ्लेक्टर को साइड में रख दिया है, और अब इसका कनेक्शन समझते हैं। तो कनेक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ ये, और देखते हैं कि इंडिकेटर में प्रॉब्लम है या इसका जो डायोड लगा हुआ था उसमें प्रॉब्लम है। तो इंडिकेटर कम्प्लीटली चल रहा है, डायोड में प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा जो मैंने जूम कर लिया है, और अपन इंडिकेटर कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्या इंडिकेटर मैं थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये दोस्तों इसका प्लस पॉइंट है, और अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। इसकी सोल्डिंग थोड़ी सी हटी हुई है, तो इंडिकेटर के वायर में सोल्डिंग कर लेते हैं दोनों पे। तो देख सकते हो मैंने डायोड के पॉइंट पे मैंने एक इंडिकेटर का वायर लगा दिया है प्लस वाला, और इस सेकंड वायर माइनस वाला है। उससे पहले आप इंडिकेटर को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं इसमें। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। तो देख सकते हो कम्प्लीटली चल गया है। और दोस्तों जो बैटरी का जो ये ब्लैक वायर है ना, ये भी छूट गया है। तो इससे कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो इससे भी अपन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट के कनेक्टर पे। तो इस प्रकार आपको अच्छे से लगा लेना है, और दोस्तों कम्प्लीटली चल जाएगा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते हो कम्प्लीटली चल गई है दोस्तों ये।